बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से। यहां पर कन्नौज से एक बड़ी खबर है। मतदान से ठीक पहले पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और कई एसपी कार्यकर्ताओं को घर में नजर बंद किया गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर नेशनल वॉइस पर, कन्नौज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई एसपी कार्यकर्ताओं को घर में नजर बंद किया गया है। तिरवा के अंशुल गुप्ता को रेड कार्ड थमाया गया है और उन्हें नजर बंद किया गया है और तिरवा विधानसभा के एसपी अध्यक्ष राकेश यादव भी नजरबंद किए गए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुर्मदा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्रेश यादव को भी रेड कॉर्नर, यहां पर रेड कार्ड दिया गया है। शिवेंद्र चौहान, उपेंद्र चौहान पर भी यहां पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। और हमारे साथ अंशुल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। प्रणाम सर, मैं भी स्वागत करता हूं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं का। जी जी अंशुल जी, आपको क्या लगता है, आप पर क्यों ये कार्रवाई की गई है? सर, ये पूरी तरीके से कार्रवाई सत्ता के इशारे पर प्रशासन द्वारा करी गई है। पिछले 19 साल से मैं चुनाव लड़वा रहा हूं, लोगों को कभी भी इस तरीके की विद्वेषात्मक कार्रवाई नहीं करी गई। पहली बार हमको एक दिन पहले घर पर अरेस्ट कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। एक दरोगा और दो सिपाहियों को हमारे घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। कहा गया है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, जबकि इस तरीके की कोई भी संवैधानिक कार्रवाई नहीं होती है और इस तरीके से प्रशासन लोकतंत्र की हत्या करने का काम करता है। जी अंशुल जी, क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है? मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और व्यापारी हूं। मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक और आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है। जी अंशुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। कन्नौज के एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अमरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। अमरेंद्र जी, ये क्या कार्रवाई की गई है, किन किन लोगों पर ये कार्रवाई की गई है? देखिए, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई है। कुछ लोगों के विरुद्ध ये शिकायत जरूर मिल रही थी कि उनके यहाँ से पैसा वितरित हो रहा है, तो इस खबर को खंडित करने के लिए और इसकी सत्यता की जांच करने के लिए पुलिस गई होगी कि वहाँ कोई बाहरी आदमी तो नहीं आया हुआ है। आप सबको पता है कि 48 घंटे के अंदर बाहर का कोई आदमी नहीं रह सकता, तो इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि फलाने आदमी के घर में बाहर का आदमी रुका होता है, तो उसकी जांच के लिए हम आदमी भेजते हैं। कहीं कोई बाहर का आदमी तो रुका हुआ नहीं है, बस इतनी ही बात है। ना तो कोई हाउस अरेस्ट किया गया है, ना किसी को रोका गया है, सारी निर्मूल खबरें हैं। जी अमरेंद्र जी, ये सब नहीं किया गया है, लेकिन रेड कार्ड तो दिया गया है यहाँ पर, काफी सपा के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी रेड कार्ड दिया गया है। इसमें सिर्फ सपा के लोग नहीं है, तमाम लोग ऐसे हैं जो कि पूर्व में जिनके खिलाफ 107 आदि की कार्रवाई हुई है और इसके बारे में ये आशंका है कि चुनाव में ये गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, इसमें सभी दलों के लोग हैं। जी अमरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अंशुल गुप्ता के ऊपर आपके आपके आपका कोई शक था जिसके बाद आपने ये कार्रवाई की है? इनके बारे में ये शिकायत मिली थी। जी, इस तरह की शिकायत मिली थी कि इनके यहाँ से पैसा वितरित कराया जा रहा है, कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पर पुलिस ये जांचने गई थी कि शिकायत में कितना दम है, वहाँ कोई इनके घर पे मिला नहीं था। जी अमरेंद्र जी, हमारे साथ अंशुल गुप्ता जी मौजूद हैं। अंशुल जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये पूरी तरीके से निराधार है, ना ही हमारे द्वारा और ना ही हमारी पार्टी के द्वारा कहीं पर भी पैसे का वितरण किया जा रहा है। और कल चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तुरंत हमारे यहाँ जो भी बाहरी नेता आए थे वो सब क्षेत्र छोड़ के चले गए। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और हम लोगों के कोई भी इस तरीके का बाहरी व्यक्ति नहीं रुका हुआ है और ना ही किसी स्तर पर हमारे द्वारा और हमारी पार्टी के द्वारा पैसा बांटा जा रहा है। ये पूरी तरीके से निराधार और गलत आरोप लगाया जा रहा है। एसपी साहब, जैसा कि अभी अंशुल जी ने कहा है कि उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया है, जो भी लोग आए थे वो जा चुके हैं, तो क्या आपके पास कोई सबूत है इसका, कोई आधार जो कार्रवाई की गई है उसके ऊपर आपके पास का इसका कोई पुख्ता सबूत है? देखिए, हमारे पास शिकायत मिलती है कई तरह से, कई स्थानों से, और चुनाव को निष्पक्ष संपादित कराने के लिए मेरा उत्तरदायित्व तो है कि अगर कोई सूचना मिलती है कि किसी घर किसी के मकान से बाहर का आदमी रुका हुआ है, तो ये हमारी पुलिस वहां जाकर के देखती है कि ये सूचना सही है कि गलत है। बस इतनी ही बात है, किसी को ना तो रोका गया है, ना हाउस अरेस्ट किया गया है, ये निर्मूल बातें की जा रही हैं और भ्रम पैदा किया जा रहा है। थैंक यू। जी अमरेंद्र जी, हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि देखा जाता है पुलिस कर्मियों के द्वारा घर पे देखा जाता है, तो हमारे साथ अमरेंद्र सिंह हमारे साथ कन्नौज के एसपी फोन लाइन पर बने हुए थे, हमारे साथ अंशुल गुप्ता जी मौजूद हैं। अंशुल जी, क्या कुछ आप इसके बाद करेंगे, आपके ऊपर ये जो कार्रवाई की गई है उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग कानून का सम्मान कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन या जो भी लोग
हम लोगों को परेशान करने का काम करें, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादियों के जोश पर वो किसी भी तरीके का काम नहीं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और हम लोग डिंपल जी को अधिक से अधिक वोट जिताने का, डलवाने का काम करेंगे, हम लोगों को वो नहीं रोक पाएंगे। जी, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल गुप्ता जी। अंशुल गुप्ता हमारे साथ, सपा के नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे।